बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, ये कहावत तो आपने सुनी होगी, लेकिन इस कहावत को गलत साबित करता हुआ नजर आ रहा है इंदौर ज़ू। यहाँ एक बंदरिया को अदरक की चाय पसंद है। ये खतरा भाप कर कर्मचारियों को अलर्ट करती है और बिना पिंजरे के मौज मस्ती करते दिखाई देती है। ये कहानी है इंदौर ज़ू की टिया नामक बंदरिया की, जिसे पिछले कुछ महीने पहले वन विभाग ने प्राणी संग्रहालय को सुपुर्द किया था। प्राणी संग्रहालय के अधिकारी उत्तम यादव ने बताया कि एक दिन के बंदर के बच्चे को वन विभाग द्वारा लाया गया था और बताया गया था कि इस बंदर के बच्चे की मां को जन्म देने के बाद करंट लग गया था, जिसमें उसकी मौत हो गयी थी। जब इसे यहाँ लाया गया था तो ये काफी छोटी थी और इसे विशेष रूप से निगरानी में रखा गया। इसे बोतल से दूध पिलाकर बड़ा किया गया है और ये इंसानों के बीच रहकर उनके साथ खाना पीना सीखती है। यहाँ तक कि अदरक वाली चाय इसे काफी पसंद है। यदि ज़ू में सांप अन्य कोई जानवर गलती से प्रवेश कर जाता है तो ये तुरंत अलर्ट भी करती है। निश्चित रूप से एक कहावत जैसे आपने बताई कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन ये अदरक का स्वाद जानता है और निश्चित रूप से इसको चाय बड़ा का शौकीन नहीं है। जब भी चाय आती है गेस्ट के लिए तो तुरंत खुद भी आके चेयर पे बैठ जाता है कि अब उसको भी चाय मिलेगी। और जिस दिन अदरक की स्मेल आती है तो निश्चित रूप से थोड़ा सा ज़्यादा एग्रेशन में आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादा उसको पसंद है उस तरह की चाय, तो वो बिल्कुल पसंद करता है और चाय बड़े शौक़ से पीता है। चाय जब भी हमारे यहाँ आती है गेस्ट के लिए तो निश्चित रूप सबसे पहले पानी से पहले हमारा ये बंदर आके बैठ जाता है, जिसका नाम हम लोगों ने टिया दिया है। और चाय जब तक इसको नहीं मिलेगी तब तक वहाँ से जाता नहीं वो, और बड़ा हाइपर हो जाता है, इसलिए इसको सबसे पहले चाय इसी को देना पड़ती है। हाँ, जब भी कोई वाइल्ड एनिमल अगर जैसे फेरल मंकीज़ या कुछ डॉग्स वगैरह के अंदर आ जाते हैं तो ये ज़रूर अलर्ट करता है, चिल्लाता है, गुस्सा करता है। दूसरे कोई फेरल बर्ड्स जो ओपन फ्री रेंजिंग बड़े बर्ड आ जाते तो इस तरह के रिएक्शन देता है। तो इस तरह की इंडिकेशन ज़रूर देता है, ये जो वाइल्ड में होता है तो ये ज़रूर इस तरह का रिएक्शन देता है, जो कि हम लोग बहुत माइन्यूटली ऑब्जर्व करते हैं। चूँकि हम लोग हर दिन जब वाइल्ड एनिमल के साथ डील करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे नोटिस में आती रहती है, तो कहीं ना कहीं इस तरह के इंडिकेशन ज़रूर इनसे मिलते हैं। यहाँ काफ़ी टाइम से फूड जोन है हमारा यहाँ पर इंदौर चिड़ियाघर में। अभी काफ़ी चीज़ बदल चुकी है चिड़ियाघर की, लेकिन अभी हमारे फूड जोन की स्पेशलिटी ये है कि एक बंदरिया है टिया नाम की, वो हमारे फूड जोन की शोभा बढ़ाती है, कस्टमर्स के साथ खेलती है, बच्चों के साथ खेलती है। उसकी स्पेशलिटी ये है कि उसको चाय बहुत पसंद है और स्पेशली अदरक वाली चाय बहुत पसंद है। सुबह शाम उसके लिए स्पेशल चाय बनती है, हमारे स्टाफ की चाय बनती है, तो उसकी चाय भी स्पेशली बनती है। उसको चाय ठंडी करके दी जाती है, मतलब उसको चाय काफ़ी हद तक कुछ ज़्यादा ही पसंद है, वो सुबह शाम डेली चाय पीती है हमारे। इंदौर ज़ू में इस समय टिया बंदरिया लोगों के आकर्षण का केंद्र है। लोग इसको खाना खिलाना और इसके साथ रहना भी पसंद कर रहे हैं। मृदुभाषी के लिए इंदौर से चंकी वाजपेयी की रिपोर्ट। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।